गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस कैसे आप सब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड एथ के चैप्टर सिक्स की मेटल्स और नॉन मेटल्स की काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है अभी तक हमने मेटल्स क्या होते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं वो देखा था उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी फिर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में गए थे डीप में भाई कि कौन सा मेटल क्या रिएक्ट करता है कैसे रिएक्ट करता है किसके साथ रिएक्ट करता है अगर वो रिएक्ट करेगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा हमने हाइड्रोजन सीरीज़ की बात की थी एक्टिविटी सीरीज़ की कि हम हाइड्रोजन को क्या लेते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन से ऊपर है वो इतने रिएक्टिव है हाइड्रोजन से नीचे है वो इतने रिएक्टिव है बाकी हमने 24 नॉन मेटल्स की भी बात की थी कि भाई अलग अलग नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्टिविटी है किसी पानी के साथ कैसे रिएक्टिविटी है तो ये सारी चीज़ हमने उसके अंदर देख ली थी राइट तो हमने ऊपर जनरल यूजिस जनरल प्रॉपर्टीज़ के मेलेबल होते हैं डक्टाइल होते हैं सोनरस होते हैं मेटल्स शाइनिंग होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके बाद हमने नॉन मेटल्स का भी देखा था नॉन डक्टाइल होते हैं नॉन सोनरस होते हैं नॉन मेलियबल होते हैं मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू नॉन मेटल्स लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों का सेम ही है अगर देखा जाए तो नॉन मेटल्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि चौबीस है लेकिन बहुत सब के सब कैसे है? काम के हैं क्योंकि तो उसमें से ग्यारह तो क्या है गैस या सब्सटेंसी से उसमें सबसे मेन कौन सा है ऑक्सीजन जिसपे हम लोग जिंदा रह रहे हैं दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन क्योंकि जब वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो हमारे लिए पानी बनता है उन्हीं दोनों को यूज़ करके अब प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस में खाना बनाता है तो इफ़ यू सी ऑन कंपेरिजन परसेप्स तो नॉन मेटल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन मेटल्स लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही इक्वल इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम जिंदा रहेंगे नॉन मेटल्स के सहारे तो हमें ज़िंदा रहने के लिए कुछ और भी चीज़ें होगी क्योंकि जैसे हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स होती है डेली नीड्स होती है तो दो आर बीन फुलफिल्ड बाय आवर मेटल्स पार्ट राइट तो बहुत इक्वली आर बहुत आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी अब दोनों के अलग अलग यूज देख लेते लेट टेक एंड क्विक लुक इन टू देर यूजिज इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा देन वी वुड मूविंग टू आर नेक्स्ट चैप्टर राइट तो यूजेस ऑफ मेटल्स फर्स्ट आई एम रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन यूज ऑफ मेटल्स क्या है फ्रॉम

बट जब वो कोटिंग निकलती है रेड कलर की तो उसके अंदर एक गोल्ड कलर का या फिर कॉपर का वायर होता है राइट ब्राउन कलर जैसा तो अवर हाउसेज हैव वायरिंग ऑफ कॉपर वायर्स क्यों क्योंकि कॉपर वायर्स वी नो इज़ एन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट राइट ऑल मेटल्स आर सारे मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी और हीट का जो फ्लो है दैट वुड बी गुड एंड कंटिन्यूस राइट तो हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में डोमेस्टिक मतलब हमारे घर का तो इन अवर डोमेस्टिक वायरिंग कॉपर वायर्स आर यूज जबकि बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो होते हैं एक शहर से दूसरे शहर जो हमें हाईवेज़ पे या हमारे घर के बाहर जो बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं लाइट के इफ़ यू टेक ए लुक ओवर देयर हमें जो वायर दिखेंगे वो मोटे होंगे और वो किसके होंगे इट वुड बी मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम राइट बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से भी सस्ता है और उससे ज़्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकता है राइट दिस वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम विच आर मेटल्स मूविंग फॉरवर्ड टूअर सेकेंड पॉइंट इज आयरन तो हम लोखंड की बात कर रहे हैं तो आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल एज इट इज़ टफ़ स्ट्रॉन्ग एंड चीप अब आयरन यूजफुल क्यों है क्योंकि क्यों उसके तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है पहला क्या है टफ मज़बूत है दूसरा क्या है स्ट्रॉन्ग है वो भी मजबूत है और तीसरा क्या है चीप सस्ता है राइट आयरन इज़ चीप तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टूल्स मशीन्स एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड ऑल्सो इन हाउस कंस्ट्रक्शन तो हम लोग जहाँ पे देखते हैं हमें आयरन ही दिखता है टूल्स हैमर हथौड़ा बनाने में टूल्स में काम आता है मशीन्स बड़े बड़े जो होते हैं वो आयरन के होते हैं हमारे घर पे खेत खेत में हम देखते हैं तो ट्रैक्टर के पीछे जो हल होता है वो भी किसका होता है इट स्मेड ऑफ आयरन राइट और हमारे जब घर बनता है तब भी सेंटिंग में किसका यूज होता है वी आर यूजिंग आयरन रोड्स राइट अब आयरन की एक हमें पता है एक फॉल्स पॉइंट है एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि है दैट इट गेट्स कोरोडेड एयर या पानी के साथ जब वो रिएक्ट करता है व्हेन इट रिएक्ट विद सच थिंग्स इट गेट्स कोरोडेड उसमें रस्ट लग जाता है जो कि एक केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी जो हमने आगे बात कर ली थी तो उसके ऊपर रश्ट लग जाता है तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं गेलवेनाइजेशन तो अगर आपके होमवर्क में क्वेश्चन आए मैं भी बता देता हूँ कि हाउ इज़ आयरन गेलवेनाइज और एल्स वॉट इज़ गेलवेनाइजेशन तो आपको ये सेकेंड पॉइंट का ये जो पैराग्राफ है वो लिखना है राइट क्या होता है उसमें आयरन का जो एक टुकड़ा होता है उसको मोल्टन जिंक के अंदर डाल देते हैं राइट पिघला हुआ जो जिंक होता है जेड आई एन सी जिंक जिसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं जसत तो वैन वी डिप दिस आयरन इंटू जिंक और उसके बाद वो पूरा जो लिक्विड होता है वो आयरन के ऊपर चढ़ जाता है देन वेन वी अलाउ इट टू कूल फिर उसको ठंडा होने देना है राइट तो उसके बाद वो जो है वो लोखंड के ऊपर चिपक जाएगा आयरन के ऊपर उसका एक लेयर बन जाएगा राइट तो so, अब अब इस आयरन के ऊपर कभी भी रस्ट लगेगा नहीं इट इज़ नाउ रस्ट प्रूफ राइट इसे हम बोलते हैं गेलवेनाइज आयरन या फिर गेलवेनाइजेशन राइट right? तो यही होता है ये पूरे पैराग्राफ का मतलब कि जब आयरन की मजबूती हमें बढ़ानी होती है तो हम उसको क्या करते हैं गेलवेनाइज कर देते हैं या तो अग, अगर आपके पास गैलवेनाइज करने के लिए जिंक नहीं है तो सिंपली ब्लैक कलर जो आता है उसका अगर आप एक हाथ लगा दोगे आयरन के ऊपर तो भी उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी राइट सो दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट दे वेर वी डिस्कस्ड आयरन राइट मूविंग फर्दर टू आर थर्ड पॉइंट इज़ आयरन एलुमिनियम कॉपर आर यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स अब अपार्ट फ्रॉम टूल्स एंड मशीनरीज जो हमने ऊपर के फर्स्ट दो पॉइंट में बात की कि वायरिंग में काम आता है मशीनरी में काम आता है उसके अलावा आयरन एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर ऑल्सो यूज इन यूटेंसिल्स राइट पित्तर है लोखंड है अमुक अन्य एल्यूमिनियम पर वी ऑल नो दिस वी आर यूजिंग दिस थिंग्स इन अर हाउस होल्ड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम न फोर्थ पॉइंट इज एस यू नो मैग्नशियम बर्न्स इन एयर विदेजलिंग व्हाइट लाइट वैन इग्नाइटेड देरफॉर इट इज यूज इन फायर वक्स यहाँ पर आपको जो इमेज दिया हुआ है वो एक किसका है तारामंडल का है राइट right? फुलजड़ी का है जो व्हाइट कलर की हम लोग जलाते हैं दिवाली में आप सबने जले हो गए इस बार तो उसके ऊपर जो वाइट कलर का होता है अब आपको पता चल गया है किसका होता है इट इज़ मेड अप ऑफ मैग्नीशियम वाई बिकॉज मैग्नीशियम बर्न्स विथ डेजलिंग वाइट लाइट ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है उसको क्या बोलते हैं वाइट लाइट वो किसकी प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है तो अगर आप कोई अभी आगे अब पूछे कोई होते हैं भाई ये जो दिवाली में फटाके फोड़े जाते हैं वो किसके बने होते हो तो यूड आंसर वुड भी मैग्नीशियम क्योंकि अब आपने पढ़ चुका है राइट right? मूविंग further टू फिफ्थ पॉइंट इज mercury डज नॉट स्टिक टू ग्लास एट द सेम टाइम इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ heat सो इट इज़ used फॉर मेकिंग thermometers अब एक जो एक्सेप्शन था राइट मेटल्स में एक है नॉन मेटल्स में एक है लिक्विड दोनों मेटल्स में mercury है नॉन मेटल्स में bromine है राइट right? तो mercury एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड है तो उसकी भी एक peculiarity है उसके पे एक यूज है कि भाई वो glass के ऊपर चिपकता नहीं है वरना ज़्यादातर लिक्विड जो होते हैं अगर आप किसी शाइनिंग surface के ऊपर या फिर स्मूथ surface के ऊपर डालोगे तो उसके ऊपर चिपक जाता है राइट right? बट मर्क्यूरी जो है वो कभी चिपकता नहीं है और ऊपर से इट इज़ एन गुड कंडक्टर ऑफ हीट इसीलिए थर्मोमीटर जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर नापते हैं तो उसको यूज़ करते हैं हमने सेवंथ में पढ़ लिया था टू टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर देयर क्लिनिकल एंड केमिस्ट्री के लैब वाला और डॉक्टर्स वाला राइट right? दो तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं एक में कि होता है एक में कि नहीं होता है राइट right? ये हमने सेवन्थ में पढ़ लिया है नाउ द क्वेश्चन इज कि मर्क्यूरी क्यों यूज होता है अंदर तो उसका जवाब हमें यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है इट इज़ एन गुड कंडक्टर ऑफ हीट राइट इसीलिए उसको हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि टेम्परेचर ऊपर जाता है तो वो संभालने के लिए उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो मर्क्यूरी उसे अच्छे से संभाल पाता है राइट right? तो मर्क्यूरी उसमें वहाँ यूज होता है मूविंग ऑन फर्दर सिक्सथ जो हमारी मेटल्स है वो है सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनियम अब ये नोबल गैस नोबल एलिमेंट्स है नोबल मेटल्स क्यों बोला जाता है इनको नोबल का मतलब होता है कि वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते नहीं है जैसे हमने ऊपर बात की थी कि भाई हाइड्रोजन के ऊपर जो एक्टिविटी सीरीज़ थी रिएक्टिविटी सीरीज उसमें सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर थे तो क्यों थे सबसे ऊपर क्योंकि वो बहुत जल्दी इग्नाइट होते हैं जल्दी रिएक्ट होते हैं इसीलिए उनको कैरोसिन में या पानी के अंदर डाल के स्टोर किया जाता है राइट ये हमने आगे पढ़ लिया था बट उसी एक्टिविटी सीरीज़ में सिल्वर प्लेटिनियम गोल्ड वो हाइड्रोजन के बहुत नीचे थे क्यों होते थे क्योंकि वो इतनी जल्दी रिएक्ट करते ही नहीं है इसीलिए हम लोग चांदी सोने और प्लेटिनियम के ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी पहन सकते हैं क्योंकि गोल्ड जो है वो आपके हाथ में अंगूठी होती है बेंगल होती है या फिर आपके ईयर रिंग में होती है ईयर में राइट तो वो एयर के कॉन्टेक्ट में आती है तो खराब होती नहीं है राइट वो काली नहीं पड़ती है आपके कान को कोई केमिकल रिएक्टिविटी असर नहीं करती है उसका कलर नहीं जाता है उसकी शाइन कहीं नहीं जाती है तो दिस मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स क्योंकि वो रिएक्ट करते नहीं है राइट right? जल्दी से और एक बार अगर आप उसको पॉलिश कर दो तो वो सालों साल तक चमकते रहेंगे दिस इज देयर प्रॉपर्टीज राइट ये भी उसका एक यूज है अब आगे बढ़ते हैं टू ओवर सेवन पॉइंट इज आर होमोजीनियस सॉलिड मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स और ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एलोइंग इज डन टू मेक द पेरेंट मटेरियल स्ट्रांग सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ आर स्टील विच इज अक्सर ऑफ आयरन एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड मैंगनीज ब्रास ए मिक्सर ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड ब्रॉन्ज मिक्सर ऑफ कॉपर एंड टिन राइट कॉपर और कॉपर और जिंक का मिक्सर है ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का मिक्सर है, है, है स्टील जो है वो मिक्सर ऑफ आयरन और कार्बन का, है, है, और का है तो कॉपर अकेला मजबूत नहीं है आयरन अकेला मजबूत नहीं है जैसे हमने बात की थी तो उसको और मजबूत करने के लिए हम कुछ और ऐड करते हैं राइट right? उसे हम बोलते हैं एलोइंग जो कि हमारे सेवन्थ का फर्स्ट चैप्टर था राइट सिक्स या सेवन्थ में हमारा फर्स्ट चैप्टर इसके ऊपर डेडिकेटेड था एलोइ होमोजीनियस मिक्सचर हाइड्रोजीनियस मिक्सचर ये सारी चीज हमने वहाँ पर पढ़ ली है यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं रिफ्रेश कर रहे हैं राइट कॉपर के साथ जिंक बनता है कॉपर के साथ टिन जब मिक्स होता है तो ब्रांस और ब्रांस बनते हैं जिसको हम इंग्लिश में तांबू और कांसू बोलते हैं राइट कांसानी वस्तुओं और तांबानी वस्तुओं तो देट आर ब्राज एंड ब्रोंस राइट उसके भी अलग अलग यूज़ है वे यूटेंसिल्स बनते हैं फिर आ, क्या बोलते हैं उसको शोपीस बनते हैं राइट right? उसके तो वहाँ यूज़ होता है बाकी स्टील हमको पता है कहाँ यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है स्टील अब आयरन हम लोग यूज़ करते हैं बट क्या होता है उसमें क्या लग जाता है जंग लग जाता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में पानी भी यूज़ होता है तो पानी और आयरन मिक्स, मिक्स होगा तो आयरन ख़राब हो जाएगा इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टील यूज़ करते हैं राइट अब मूविंग फॉरवर्ड एल्युमिनियम फॉल विच इज़ वेरी लाइट इज यूज टू पैक फूड मेडिसिन एक्सेट्रा एलुमिनियम इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड यूटेंसिल्स पहले पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पर एक थोड़ा और डीप में आपको बताया गया है कि जब आप बाहर से खाना लाते हैं तो ऐसे बॉक्स में आता है दैट इज मेड ऑफ़ यूटेंसिल्स इसमें ऐसे भी रैप करके दिया जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ यूटेंसिल्स राइट हमारी दवाई या जो पैक होती है वो भी किसकी बनी होती है एल्यूमिनियम की होती है और वायरिंग भी कभी कभी, कभी किसका आता है एल्यूमिनियम का आता है राइट अब आगे बढ़ते हैं आर्टिफिशियल टीथ फिर अर्लियर यूजअली मेड ऑफ सिल्वर और गोल्ड टूथ कैविटीज आर फिल्ड विथ वॉट आर नोन एज डेंटल अमालगम्स एलॉय ऑफ सिल्वर और टीन विथ मर्क्यूरिंग अभी भी आप लोग देखो तो किसके दांत नहीं होते हैं तो वो कभी सोने के दांत लगवाते हैं या चांदी के दांत लगवाते हैं या अगर किसी के पास पैसे नहीं है सोने या चांदी के दांत करवाने के लिए तो वो जो जगह होती है टूथ कैविटी की वो भर देते हैं वो किससे भरते हैं तो वो मिक्सचर से बढ़ते हैं किसका सिल्वर के साथ टिन या फिर सिल्वर के साथ मर्क्यूरी का राइट और उस मिक्सचर को क्या बोला जाता है अमालगम बोला जाता है राइट क्योंकि साइंस और केमिस्ट्री की भाषा में आप मिक्सचर या फिर सब नहीं बोल सकते दे आर यूजिंग प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक वर्ड्स तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे अमालगम यूज़ करेंगे राइट तो दिस आर दी मेजर मेटल्स एंड दे आर यूज कॉमन यूजेज जो हमें पता है जो हम डेली यूज़ करते हैं बट वी वी आर नॉट अवेयर ऑफ लेकिन अब से आपको कोई पता आपको पता है अब आपसे आपको कोई पूछे कि हमारे घर में वायरिंग में कौन से वायर होते हैं तो यू शुड योर आंसर शुड बी कॉपर राइट पटाखे में कौन सा मेटर होता है तो मैंगनीज एल्यूमिनियम फॉयल कहाँ यूज़ होती है तो खाना पैक करने में होती है दवाइयाँ पैक करने में होती है इलेक्ट्रिक वायर्स में होती है फिर मर्क्यूरी कहाँ यूज़ होता है तो थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है अगर आपको कोई क्यों भी पूछ ले तो आपको उसका रीज़न भी पता है कि भाई मर्क्यूरी जो है वो ज़्यादा देर तक हीट रिटेन कर सकता है इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट सो इट इज़ यूज इन थर्मोमीटर्स उसके बाद आयरन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम गेलवनाइज आयरन बनाते हैं हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं एलोइ के साथ राइट तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ है अब आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की ओर तो नॉन मेटल्स हमारे पास बहुत सारे थे उसमें से आपको यहाँ पर सिर्फ चार पांच दिए हुए हैं वो सब पढ़ लेते हैं तो पहला है ऑक्सीजन तो वी ऑल नो ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में दो मिनट तक नाक बंद नहीं हो सकती हमारी पाँच या दस सेकंड करेंगे तब हमारा मुँह खुल जाएगा हाँ करके राइट right? क्योंकि हमें सांस नहीं आएगी तो दैट इज़ दी वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नॉन मेटल्स हम कह सकते हैं बट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट तो ऑक्सीजन इज़ परहैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटर आवर लाइफ वी एंड मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड इट फॉर रेस्पिरेशन सम ऑफ अदर रेस्पिरीसन आर एज फॉलोस अब सांस लेने के अलावा जिंदा रहने के अलावा और भी कहाँ कहाँ ऑक्सीजन यूज होता है वो हम देख लेते हैं तो पहला पॉइंट है ऑल कंबसन प्रोसेसेस नीड ऑक्सीजन कंबसन मतलब आग लगना ऑक्सीजन आग नहीं लगाता लेकिन एक बार आग लग गई और आसपास ऑक्सीजन है तो वो आग जो है वो बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़ेगी इसका मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जब भी जंगलों में आग लगती है तो वो फटाफट फटाफट -फटा क्यों बढ़ती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है ऑक्सीजन होता है राइट right? हम लोग जब ठंड में कहीं पर लकड़े जला बैठे होते हैं और वो आग जब ठंडी हो जाने लगती है या फिर बुझने लगती है तो हम फूँक मारते हैं या फिर कोई भी चीज़ से हवा डालते हैं उसको तो वो क्यों करते हैं क्योंकि तो ऑक्सीजन जो है वो आग को बढ़ावा देती है राइट right? उसके बाद उसका सेकेंड पॉइंट है विथ एसीटिलीन ऑक्सीजन यूज इन ऑक्सीटिलीन टॉर्चिस टू कट एंड वेल्ड मेटल्स आपने देखा होगा कि मेटल्स को काटने के लिए एक इलेक्ट्रिक चीज़ यूज़ होती है जिसमें से बहुत तेज़ में आग निकलती होती है वो किसका होता है इट इज़ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसीटिलीन third point is it is required for extraction of metals from their ores for the production of iron it is used in the manufacture of sulfuric acid, and nitric acid liquid oxygen is used to burn rocket fuel तो so, एसिड बनाने में काम आता है फिर कभी कभी हमने जो बात की थी मेटल्स कहाँ से मिलते हैं तो ओर्स में से मिलते हैं पत्थरों में से original चीज़ अलग करने में और इम्प्योरिटीज़ अलग करने में भी ऑक्सीजन काम आता है और रॉकेट फ्यूल जो होता है वहाँ में भी क्या यूज़ होता है लिक्विड ऑक्सीजन राइट तो अपार्ट from रेस्पिरेशन uh, सांस लेने के अलावा भी दीज आर मेजर यूजेज ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट फील्ड राइट अब आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन तो जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर फील्ड वाले जितने भी हैं खेत खेती वाले उनको पता होगा कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर इज़ एन पी के नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम तो पहला नाम एन है इसका नाम है नाइट्रोजन तो वो कौन यूज़ करता है प्लांट्स बहुत यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को क्या बनाने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए राइट right? उसका हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है प्लांट यूज़ नाइट्रोजन टू मैनुफैक्चर प्रोटीन इसीलिए हमारे एटमोसफियर में सेवेंटी क्या है इट इज़ नाइट्रोजन सेकेंड पॉइंट इज़ लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व ब्लड कॉर्निया एंड अदर डोनेटेड ऑर्गेन आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में किडनी किसी ने अगर कोई आदमी मर गया है तो उसका किडनी प्रिजर्व हुआ है उसकी आंखें प्रिजर्व हुई है हम लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं वो भी प्रिजर्व होता है तो लंबे समय तक ये सब चीज़ों को अच्छा कौन रखता है तो नाइट्रोजन रखता है राइट अब क्यों रख पाता है नाइट्रोजन अच्छा क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो नोबल है या फिर इनर्ट है या फिर इन रिएक्टिव है यहाँ पर आपको जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है ड्यू टू तो इस इनर्टनेस या फिर नॉन रिएक्टिविटी तो नाइट्रोजन जो है वो जल्दी रिएक्ट करता नहीं है इसीलिए वो फूड पैकेजेस बनाने में भी काम आता है क्योंकि आपको पता है अगर खाने को किसी लंबे समय तक खुला छोड़ देंगे किसी जगह पर तो वो बिगड़ने लगेगा राइट तो हमारे जो फूड पैकेट होते हैं उसमें कौन सा गैस होता है नाइट्रोजन गैस होता है क्योंकि उसमें खाना बिगड़ता नहीं है क्यों नहीं बिगड़ता है क्योंकि वो कैसा है नॉन रिएक्टिव या फिर इनर्ट गैस है राइट उसके बाद उसका लास्ट पॉइंट क्या है इट इज़ यूज इन द मैन्यूफैक्चर ऑफ एमोनिया एम यूरिया एमोनिया और यूरिया क्या है फर्टिलाइज़र है राइट खातर है जो हम खेत में डालते हैं तो वो किसकी हेल्प से बनता है नाइट्रोजन की हेल्प से बनता है तो ये भी एक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है हमने उसके चार इंपॉर्टेंट यूज देख लिए बागे बढ़ते हैं कार्बन की ओर तो चारकोल एंड लैम्पेक आर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन कार्बन इज ए फाउंड इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स डायमंड एंड ग्राफाइट विच द फॉलोइंग यूजेस उसके दो अलग अलग प्रॉपर सॉरी फॉर्म्स है एक है नॉन क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन मतलब जो बिडोड़ होता है अन इवन शेप में होता है राइट right? और एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसे कि डायमंड्स होते हैं राइट right? तो कार्बन के दो फॉर्म है पहला है नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन क्रिस्टलाइन जिसका नाम है चारकोल और लैम ये उसके दो एग्जाम्पल है कार्बन के नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है उसके एग्जाम्पल है डायमंड एंड ग्राफाइट तो ग्रायमंड और ग्राफाइट के यूजेस आपको दिए हुए वो देख लेते हैं डायमंड इज एज अ जेम एज ऑल्सो फॉर कटिंग रॉक और ग्लासेज आपको पता है डायमंड हीरा कहाँ यूज होता है ज्वेलरी में यूज़ होता है उसके अलावा जब आप कहीं कांच की दुकान पर जाएंगे तो कांच काटने के लिए जो पेंसिल होती है उसके एंड पे क्या लगा होता है डायमंड लगा होता है क्यों क्योंकि डायमंड ही कांच को काट सकता है या फिर कांच को कोई सीधा कांच पाता काट पाता नहीं है आपको कांच तोड़ना पड़ेगा तो ग्लास कटिंग में भी डायमंड यूज़ होता है दूसरा है ग्राफाइड तो ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ देयर फॉर यूज एन इलेक्ट्रॉन जैसे हमने कॉपर और जिंक की बात की थी कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वैसे हैं भी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है इसीलिए जब हमारे ये जो फ्यूज़ होते हैं लाइट के उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है राइट right? दो पॉइंट होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड बोलते हैं जिनको उसमें क्या यूज होता है ग्राफाइड यूज होता है राइट right? उसके बाद ग्राफाइट इज अ गुड लुब्रिकेंट सिंस इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई इट कैन बी यूज लुब्रिकेंट इन मशीन दैट एक्वायर हाई टेम्परेचर्स वाइल बींग ऑपरेटेड अब जब लिक्विड स्टेट में होता है ग्राफाइड तो वो यूज़ होता है लुब्रिकेंट के रूप में क्यों क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊँचा है जब तक टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ जाता तीन सौ डिग्री तक तब तक ग्राफाइट पिघलता नहीं है तो ऐसी मशीन्स जिसमें गर्मी बढ़ती रहती है उन्हें स्मूथली चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हमारी साइकिल का तो जब चेन बिगड़ जाती है तो हम क्या करते हैं तेल डाल देते हैं ऑयलिंग करते हैं ताकि हमारा चेन जो है वो स्मूथली चलता रहता है राइट वैसे ही जब बड़े बड़े मशीन्स चल रहे होते हैं उनको स्मूथली चलाने के लिए लुब्रिकेंट चाहिए लेकिन अब मशीन चल रहा है तो गर्मी बनेगी अब गर्मी बनेगी तो हमें कोई ऐसा मेटल चाहिए जो हाई टेम्परेचर को सहन कर पाए तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है ग्राफाइट इज होता है राइट right? उसके बाद है ग्राफाइट इज ऑल्सो यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ पेंसिल आपकी पेंसिल की जो लीड होती है वो भी किसकी होती है ग्राफाइट की होती है राइट right? अब आगे बढ़ते हैं सल्फ़र की दिस येलो सॉलिड है सेवरल यूजिस सल्फर का कलर कौन सा होता है येलो होता है इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ डाई मैचिस फायर पावर एंड गन पाउडर डाई बनाने में काम आता है मैचिस माचिस की डिलियर बनने में काम आता है फायर वर्कस पटाखे बनाने में काम आता है और गन पाउडर बंदूक के अंदर जो पाउडर होता है वो भी सल्फल कर बना होता है राइट उसका फिर दूसरा यूज है इट इज़ यूज इन मेनी मेडिसिन एंड एंड फंगी साइड टू किल हार्मफुल फंगी बहुत सारी दवाइयों में काम आता है और खेत में जब हम फंगस को हटा रहे होते हैं तो उसमें भी जो हम फंगी साइड डालते हैं वो किससे बनती है सल्फर से बनती है इट इज़ ऑल्सो तो यूज टू ट्रीट रबड़ एंड टू मैनुफेक्चर सल्फ्यूरिक एसिड रबड़ जो तो होता तो है उसे साफ करने के लिए सल्फर यूज़ होता है और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो भी सल्फर की मदद से बनता है उसके बाद आता है क्लोरीन क्लोरीन कौन सी फैमिली से है हेलोजन फैमिली से हमने बात की थी कि भाई जिसके अंदर आई एन ई लगे वो किस फैमिली के हो गए हेलोजन फैमिली के हो गए ठीक है क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन ये सारे किसके हो गए हेलोजन फैमिली के तो क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर का होता है सल्फर येलो कलर का होता है याद रखना तो क्लोरीन का यूज़ कौन कौन सा इट इज़ यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ यूजफुल प्लास्टिक पोलीविनल क्लोराइड प्लास्टिक बनाने में काम आता है और पीवीसी बनाने में काम आता है पीवीसी क्या होता है आपके घर के जो पाइपिंग होते हैं पानी के वाइट कलर के वो किसके होते हैं पीवीसी के होते हैं उसमें कौन क्या यूज़ होता है क्लोरीन यूज़ होता है राइट उसका दूसरा पॉइंट है इट इज यूज़ टू डिस इन्फेक्ट वाटर इट कील जम्स दिस इज डन बाई एदर पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू वाटर और बाई ट्रीटिंग वाटर विद ब्लीचिंग पाउडर पानी साफ़ करने में भी क्लोरीन का बहुत बड़ा हाथ है दो तरीके से आप कर सकते हो पहले तो क्लोरीन गैस को पानी में से पास कर दो सारे बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे और दूसरा है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर हो उससे पानी को धो दो राइट right? लेकिन उसका हमने मेटल्स या नॉन मेटल्स के केमिकल रिएक्टिविटी में देखा था कि अगर वो पानी सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए और सारा पानी उड़ जाए क्लोरीन ऑक्सीजन जो उड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा फिर एच टू एस ओ फोर बन जाए एच सी एल बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा राइट जब ऑक्सीजन सारा उड़ जाएगा पानी में से तो नीचे क्लोरीन और हाइड्रोजन अकेले बच जाएंगे जो कि एसिड बन जाता है तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि जब आप क्लोरीन वाला पानी करते हो तो उसके ऊपर गर्मी आए नहीं उसके बाद उसका एग्जाम्पल क्या है हाइड्रोकोलिक एसिड बनाने में काम आता है उसके बाद लास्ट है इट इज ऑल्सो यूज़ इन मैनुफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स लाइक गेमेक्सिन जैसे सल्फर सॉरी नाइट्रोजन की हमने बात की थी एमोनिया और यूरिया बनाने में काम आता है वैसे ही क्लोरीन बनाने में काम आता है गेमेक्सिन नाम याद रखना अगर आपको वन मार्क में पूछ ले कि भाई क्लोरीन इज यूज टू मेक विच फर्टिलाइजर या फिर विच पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड दिया है हमने उसका मतलब ये दवा है एक पेस्टिसाइड पेस्ट कंट्रोल की पेस्ट यानी क्या होता है छोटे छोटे जो जानवर होते हैं हमारे खेत में चूहे सांप रोडेंट राइट पेस्ट जो घुस जाता है उनको मारने के लिए एक दवाई बनती है जिसका नाम है गेमेक्सिन उसमें क्या यूज़ होता है क्लोरीन यूज़ होता है राइट अब आगे बढ़ते हैं आयोडीन की दो एंड नॉन मेटल आयोडीन इज लस्ट्रस ब्लैक सॉलिड इट सबलाइम्स स्लोली टू फॉर्म ऑफ वायोलेट वेपर ओवर द सॉलिड इन साइड ए स्टॉपर्ड बॉटल अब देखो पहले लाइन में लिखा है दो एंड नॉन मेटल हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात की थी कि भी नॉन मेटल्स कैसे होते हैं नॉन लस्टरस होते हैं शाइनिंग नहीं होती है लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था जिसका नाम था आयोडीन राइट right? आयोडीन की प्रॉपर्टी लिखी है आयोडीन इज लस्टरस ब्लैक फर्स्ट लाइन में लिखा है कि कैसा है वो लस्टरस ब्लैक है मतलब कि वो काले कलर का है उसमें क्या है शाइनिंग है इट इट्साइम स्लोली टू फॉर्म ए वायोलेट वेपर ओवर द सॉलिड इनसाइड ए स्टॉपर्ड बॉटल अगर आप आयोडीन को रख दोगे कि किसी बॉटल के अंदर तो वो अपने आप उड़ जाएगा और उसके अंदर वेपर बनेगी कैसी वायोलेट कलर की राइट अब आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल विद सम पोटेशियम आयोडिन इज नोन एज टिंगचर ऑफ आयोडीन आप लोग जब घिरते हो ड्रेसिंग करवाने जाते हो तो आपको पहले साफ़ किया जाता है राइट डेटोल से या उससे उसके बाद एक ब्राउन कलर का लिक्विड लगाते हैं जिसका नाम होता है बिटाडिन तो उसके अंदर क्या होता है आयोडीन होता है क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टी क्या है एंटीसेप्टिक है वो आपको इन्फेक्शन होने देगा नहीं राइट तो वही आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई जब आयोडीन को आप अल्कोहल मतलब थोड़ा बहुत अल्कोहल और पोटेशियम के साथ मिक्स करते हो तो क्या होता है टिंचर आयोजा आयोडीन बन जाता है और वो एक रेडिश ब्राउन होता है और जब हमें लगता है कहीं पर हम गिरते हैं कट हो जाता है तो वहाँ पर लगाया जाता है ताकि उससे इन्फेक्शन होवे नहीं और उसके बाद क्या होता है ए पेस्ट ऑफ आयोडीन इन पेट्रोलियम चेली गिव्स रिलीफ़ फ्रॉम पेन अब वो पेन रिलीवर भी है राइट पेन किलर भी है तो हमारी दवाई जो होती है पेन किलर उसके अंदर भी क्या यूज़ होता है आयोडीन यूज़ होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है ये हमारे लिए उसका दूसरा यूज़ क्या है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड इट इज़ यूज इन आयोडाइज सॉल्व टू प्रीवेंट डिजीज लाइक गोइटर जी हमने बात की थी राइट लास्ट ईयर सिक्स में जब हम पढ़ रहे सेवन्थ में हम पढ़ रहे थे कि भाई जो हमें नमक मिलता है समुद्र में से बाईवाप रेटिंग दिस सी वॉटर वील वी गेट इज सॉल्ट एंड वेन दी सॉल्ट आर सेंट टू द फैक्ट्रीज़ फॉर मैनुफैक्चरिंग एंड क्लीनिंग प्रोसेसिज़ आयोडीन इज एडेड देयर आयोडीन क्यों यूज़ होता है क्योंकि आयोडीन हमारी बॉडी में अगर कम हो गया तो हमें डिसीज होगी गोइटर तो हमारे नमक में क्या यूज़ होता है आयोडीन यूज़ होता है आपके घर में जो नमक आता है बाजार में से अगर आप उसको उल्टा करके पीछे जो लिखा होता है इन्ग्रीडियंट्स उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि उसमें क्या है आयोडीन है राइट right? इसीलिए उसको आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं उसके बाद है लास्ट टॉपिक आपका नोबल गैस तो नोबल का मतलब आपको पता चल गया होगा हमने मेटल्स से पढ़ रहे हैं नोबल्स का मतलब कि जो जल्दी रिएक्ट करता नहीं है ऐसों को नोबल बोला जाता है राइट right? तो तीन चार गैस है हीलियम आर्गन नियन एक्सेट्रा आर नोबल गैस बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर राइट पहली लाइन में लिखा है कि उन्हें नोबल गैस क्यों बोला जाता है क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है ऊपर जो था सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनियम उन्हें नोबल मेटल्स बोला गया था क्योंकि वो भी रिएक्ट नहीं करते हैं तो देख लेते हैं इन तीन का यूज़ हीलियम का यूज़ कहाँ होता है बलून फील करने में होता है राइट और उसके साथ साथ ए मिक्सचर ऑफ़ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज़ यूज बाय डाइवर्स फॉर रेस्पिरेशन जो गोते खोर होते हैं राइट जो गोता लगाते हैं समंदर में या दरिया में जो डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन की टैंक लेके जाते हैं अपने कंधों पर अंदर पानी में सांस लेने के लिए तो उसमें क्या होता है हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है राइट उसके बाद है नियन इज़ यूज फॉर एल्यूमिनेशन नियोन जो होता है वो ब्राइट लाइट देता है आप जब रात को निकलते हो तो आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखती है या फिर हाईवे पे जो पट्टे होते हैं उसके ऊपर ग्रीन या वाइट कलर की लाइट आपको दिखती रहती है हाईवे पे रोड पे रोड के ऊपर तो वो किसकी बनी होती है नियन की होती है राइट आर्गन ए यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब विद मिक्स विद लिटिल मर्कुरी वेपर इट ग्लोस ग्रीन राइट आर्गन भी क्या होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यूज़ होता है जैसे कलर वाले बल्ब बनते हैं येलो कलर के ग्रीन कलर के वाइट रेड कलर के ये सारे बल्ब के अंदर क्या यूज़ होता है आर्गन यूज होता है राइट तो नोबल गैसेस का भी आपको यूज़ पढ़ लिया है यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है राइट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये हमारा चैप्टर अभी तक जो सारे चैप्टर्स पढ़े थे उसमें तो सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि भाई हमारी ज़िंदगी में क्या यूज़ होता है क्यों यूज़ होता है कैसे यूज़ होता है ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर कर ली है राइट तो आपको बहुत कुछ आइडिया आ गया होगा इस चैप्टर में से कि हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और अब आपको ध्यान रखना पड़ अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस चीज़ को हम लोग हैंडल कर रहे हैं तो ऐसे हैंडल करना पड़ेगा इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी ये है राइट तो वीडियो देखते रहिए मैं आपको होमवर्क भेज दूँगा अगले वीडियो में जब मिलेंगे तब नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तक ये पढ़ते रहिए होमवर्क करते रहिए पी डी एफ रहिए काम के अलावा बाहर मत निकलिए अभी भी कोरोना कहीं गया है नहीं दवाई आना शुरू हो चुकी है शायद से पर हमारे हाथ तक नहीं लगी है तो रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है घर पे बैठे रहिए घर पे बैठे पढ़ना मिल रहा है खाना मिल रहा है दोस्तों के साथ बातें हो रही है तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए राइट तो अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नेसेसरी डोंट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस मिलते अगले वीडियो में तब तक टेक केयर गुड बाय